हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डोज। गाइस, हम सभी को मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है। हम सभी चाहते हैं कि हमें अच्छा से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया मेकअप आता हो, तो हम किसी भी ओकेज़न में, पार्टी में, बर्थडे में, शादी में या कहीं भी जाएं तो बढ़िया सा मेकअप करके जाएं। पर मेकअप तो सबको नहीं आता है ना। हम ज़्यादातर ब्यूटी पार्लर या फिर किसी ऐसे इंसान पर डिपेंड होते हैं जिससे बहुत बढ़िया सा मेकअप आता हो। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें ही हम नहीं कर पा रहे हों, ना हम पार्लर जा पा रहे हों, ना ही हम किसी ऐसे इंसान से अपना मेकअप करा पा रहे हों जिससे मेकअप आता है, तो हम ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? तो गाइस, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही सिंपल मेकअप टिप्स, जिसे चाहे किसी को मेकअप नहीं भी आता होगा ना, वो उन टिप्स से ईजिली मेकअप कर लेगा और पूरा मेकअप आपका लगने वाला है पार्लर जैसा HD क्वालिटी में। तो बेटर होगा दूसरों पर डिपेंड रहने से, थोड़ा बहुत मेकअप तो आना चाहिए ना गाइस। मैं प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ ऐसे ईजी ब्यूटी टिप्स और मेकअप टिप्स बता सकती हूँ जिससे आपका मेकअप बहुत बढ़िया लगने वाला है। और जब आप पार्लर ना जा पा रहे हो या किसी मेकअप ना करवा पा रहे हो, तो आप अपना मेकअप खुद से करके बढ़िया लुक क्रिएट कर सकते हैं और अच्छा मेकअप किसे पसंद नहीं होता। तो चलिए, बातों को यही रोक के वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मेकअप ट्यूटोरियल। गाइस, सबसे पहले लगाएंगे अपने फेस पे टोनर। मैं टोनर सिर्फ ऐसे ही डैब 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 करके ही लगाती हूँ। टोनर मैंने कौन सा यूज़ किया है? मामाअर्थ का। बहुत अच्छा अमेजिंग टोनर है गाइस। फिर उसके बाद हम लगाएंगे प्राइमर, नायका का प्राइमर। मैं सब कुछ अपने हाथ से ही लगा रही हूँ यहाँ पर। ओके, बहुत अच्छा प्राइमर है ये गाइस। इससे आपके जितने भी ओपन पोर्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, आपका मेकअप बटरी सॉफ्ट लगता है, ग्लोइंग लगता है। ओके, ठीक है। ओके, अब हम लगाएंगे कंसीलर। इसे भी मैं अपने फिंगर से ही ब्लेंड कर लूंगी। ओके, अब मैं लगाऊंगी फाउंडेशन मेबलिन फिट मी का। इसे भी मैं अपने हाथों से ही ब्लेंड कर लूंगी लगभग। थोड़ा सा ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेते हैं। मेबलिन का फाउंडेशन बहुत बेस्ट फाउंडेशन है गाइस, अगर आप बिगनर्स हैं तो भी और वैसे भी ये फाउंडेशन बहुत अच्छी। अब ये अच्छे से सेट हो गया है, अब इसे हम लूज पाउडर से सेट कर लेंगे।
मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल स्टेप्स में मेकअप बता रही हूँ। अब अपने हम अपने आईब्रोज को इससे फिल कर लेंगे। ये बहुत ही अच्छी आईब्रो पेंसिल है, मिस क्लेयर्स की है, आपको पर्पल पे मिल जाएगी इजीली। वैसे तो एस्टे कुर्की ने भी अपनी न्यू आई पेंसिल्स लॉन्च की हैं। सबसे बेटर चीज़ क्या है ना, इसमें ये स्कूप भी दी गई है। ओके, सो एकदम नेचुरल लग रहा है। मेरी आईब्रो थोड़ी ब्राउनिश है इसलिए मैंने ब्राउन शेड यूज़ किया है। ओके, अब हम यूज़ करेंगे आई शेड। कौन सा कलर, आई थिंक मैंने पिंक कलर का ड्रेस पहना है तो मैं पिंक कलर का आई शेड यूज़ करूँ। देखिए कितना अच्छा पिगमेंटेड आई शेड है। एक बार में ही इजीली लग जाता है। अब मैं लगाऊंगी लाइनर। सो या मेरी दोनों आंखों में आईलाइनर लग चुका है। गाइज मैं प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट तो नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया है। अब हम लगाएंगे मस्कारा। ये बहुत अच्छा मस्कारा है, वॉक फ्री का। ओके, अब ओके, अब मैं यूज़ करने वाली हूँ अपनी सबसे फेवरेट चीज़, स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर। सो कितना अच्छा लग रहा है देखो गाइस, एकदम नेचुरल। क्योंकि हमारा सिंपल मेकअप लुक है तो इसलिए हम बहुत लाइट लाइट हाइलाइटर अप्लाई करेंगे। फिर बता रही हूँ मैं प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट तो नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया है मेकअप करने का। थोड़ा सा अपनी चिन पे, थोड़ा सा यहाँ, लग रहा है ना हाईलाइट। ओके, अब मैं यूज करने वाली हूँ लिप शेड। सो ये मर्स का लिप शेड है, इसका शेड बहुत ही अच्छा है। ये देखिए दिख रहा है, बहुत ही अच्छा पिगमेंटेशन है इसका।
सो या लिप शेड लग चुका है, मेकअप हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है रेडी। अच्छा लग रहा है ना। सो अब हम ये नहीं सोच सकते कि हमें मेकअप नहीं आता है या सो गाइज, ये थे मेरे कुछ इजी मेकअप टिप्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय।